और फिलहाल हमारे सहयोगी अमर जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ। अमर, आज का दिन बहुत ही खास और सबको इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस के किंग कौन बनेंगे, अध्यक्ष कौन बनेंगे। जी अमर। बिल्कुल बिल्कुल, किंग कौन होगा इसकी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन आप कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो हेलो जी अमर, आपकी आवाज आ रही है हम तक। कांग्रेस का किंग होगा, किंग कौन होगा, इसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। आपका असर ये आप देखें, कांग्रेस मुख्यालय तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से गहमा गहमी है। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस चुनाव में, क्योंकि यहाँ दो उम्मीदवार हैं, शशि थरूर और आप कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर ने यह आरोप लगाया है कि इस चुनाव में अनियमितता बरती गई है, इसलिए उन्होंने जो चुनाव के अध्यक्ष हैं, चुनाव कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने खत लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन पलटवार भी हुआ है, कांग्रेस के कई नेता ने कहा कि ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल साफ है। अब क्योंकि 10 बजे से जो है काउंटिंग स्टार्ट है और 4 बजे तक ये काउंटिंग चलेगा, इसी में तय होना है कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। शाम से पहले मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी या फिर जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे कि आखिर कौन जीत रहे हैं, क्योंकि मात्र 9,500 वोटों को गिनती करना है। और क्योंकि एक जगह सबको अलग अलग 1,000 करके बंडल बनाया गया है कि ताकि चुनने गिनती करने में आसानी हो। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप देखें कि काउंटिंग जो है वो स्टार्ट है। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर वो आए हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ मौजूद हैं, शशि थरूर भी मौजूद हैं, जहाँ काउंटिंग हो रहा है उसके अंदर वो बैठे हुए हैं। ये बाहर का नज़ारा है, बाहर में देखें दोनों के समर्थक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक ऐतिहासिक पहल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 24 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव हो रही है, और वो भी उस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जो गांधी परिवार हैं उसके कोई उम्मीदवार नहीं है। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो साउथ से आते हैं, दोनों इंटेलेक्चुअल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो शुरू से कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर से वो जीत करके और चुन करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और कहा ये भी जा रहा है कि उनका जो पोजीशन है वो भारी है, वो हो सकता है कि ये नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हों और उन जो चुनाव जीत सकते हैं। जी अमर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूरे देश को इंतजार रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस के किंग कौन बनेंगे, अध्यक्ष कौन बनेंगे, और सीधा मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही शशि थरूर के बीच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।